वेलकम बैक, मेरा नाम अली सलमान है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल. आई एम द co-founder ऑफ Lautique.com. Lautique.com पे हम हेल्प करते हैं आपको कैनेडा में आने के लिए और आपको कैनेडा में सक्सेसफुली सेटल होने के लिए, राइट, यू नो, के स्टडी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, PNP, एक्सप्रेस एंट्री और बाकी सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए, राइट, यू नो, और कैनेडा के अंदर सक्सेसफुली सेटल होने के लिए, राइट, कहाँ पे आपने रहना है, कहाँ पे आपने जॉब ढूंढनी है. हम एक वन स्टॉप शॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Newfoundland PNP प्रोग्राम के बारे में. पहली तो बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि वो Newfoundland है किधर कनाडा के अंदर. तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली Newfoundland जो है वो एक ईस्टर्न प्रोविंस है कनाडा का, बिल्कुल कोने के अंदर है, बहुत खूबसूरत है, कोस्ट है, मतलब के जो है ना सी को लगती है इसकी कोस्ट, जो यूके की साइड लगती है ना, इस साइड पे बेसिकली लाइक है, क्योंकि दूसरी साइड ब्रिटिश कोलंबिया की साइड है. और ये बेसिकली ये जो चार प्रोविंसेस हैं, चार जो हम अटलांटिक प्रोविंसेस बोलते हैं, उनमें से एक जो है वो है Newfoundland एंड लैब्राडोर, राइट, यू नो. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दियर PNP programs, right? Okay. आज specifically जो video है वो Newfoundland और Labrador की PNP programs के around है, okay? तो पहली बात तो ये है कि भाई अगर आपने क्या मतलब कि PNP के अंदर Newfoundland के अंदर आना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है. कुछ चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इसके बगैर आप आ ही नहीं सकते, okay? आपके पास जाहिर सी बात है एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होनी चाहिए, okay? आपके पास 67 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप Newfoundland लैब्राडोर के पॉइंट सिस्टम में आना चाहते हैं. अब इंटरेस्टिंग चीज ये, मोस्टली प्रोविंसेस के अंदर 67 ही रिक्वायरमेंट्स होती है, बट 67 तक पहुंचने के लिए डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, राइट. जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अल्बर्टा जो है वो 2 degrees पे डिफरेंट पॉइंट देता है बनिस्बत दूसरे प्रोविंसेस के, तो ये यहाँ पे कुछ लोग जिस तरह हो सकते हैं कि आप PNP के अंदर Newfoundland के अंदर 71 स्कोर कर रहे हो, but let's say कि Saskatchewan के अंदर आप 76 स्कोर कर रहे हो, right? So that can variance can come, क्योंकि हर प्रोविंस का PNP का कैलकुलेटर सेम नहीं है, सही है ना. मैचिंग स्कोर सेम है, which is 67, right? Okay. एजुकेशनल आपका असेसमेंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है वेस्ट या ICAS के थ्रू, राइट, ओके. आपको क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि भाई इस प्रोविंस के अंदर रहना चाहते हैं. आपके पास सेटलमेंट फंड्स चाहिए. सेटलमेंट फंड्स आपको बिल्कुल एंड में चाहिए होते हैं, जब आप कनाडा में पहुंच रहे होते हैं यहाँ पे, तब आपको दिखाने पड़ते हैं कि भाई मेरे पास 6 महीने के लेकिन रहने के पैसे हैं. जो चार लोगों की तकरीबन जो चार लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2023 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने अपडेट किया है, विच इज अराउंड $25,000. अगर चार लोग कनाडा में आ रहे हैं इमिग्रेशन के अंदर, तो सेटलमेंट फंड आपको दिखाना है एयरपोर्ट के अंदर अंदर इज $25,000 कैनेडियन, ओके. तो लेट्स टॉक अबाउट स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, राइट. स्किल्ड वर्कर कौन सी कैटेगरी होती है? देखो, स्किल्ड वर्कर वो कैटेगरी होती है जिसके पास स्पेशलाइज स्किल्स हैं रिक्वायर्ड बाय Newfoundland एंड लैब्राडोर एम्प्लॉयर्स. हर कुछ महीनों में गवर्नमेंट क्या करती है कि चेंज करती है रिक्वायर्ड स्किल सेट. जैसा मैं आप कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, शेफ हो गए, नर्सेज हो गई, राइट, यू नो के फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गए, बहुत सारी प्रोफेशंस जो हैं जिसके अंदर स्किल्ड मतलब कि जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, राइट, ओके. तो उसमें आपको क्या चाहिए, उस कैटेगरी के अंदर आपको आना है अगर PNP प्रोग्राम के अंदर, तो बेसिकली आपके पास जो वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए Newfoundland के एलिजिबल एम्प्लॉयर के थ्रू, ओके. अच्छा, ये सेम ही आप जब सुनते होंगे ना अटलांटिक इमिग्रेशन, ये वही प्रोग्राम है, क्योंकि अटलांटिक इमिग्रेशन में से 4 सूबों में से 100 सूबा है वो है Newfoundland, ओके. अच्छा, आपकी जॉब जो है वो मीट वेज और मिनिमम एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो, जाहिर सी बात है. आपके पास वैलिड वर्क परमिट हो, राइट, यू नो, कि सिर्फ जॉब ऑफर होना जरूरी नहीं है, ओके. और डेमोंस्ट्रेट इंटेंशन टू सेटल इन कैनेडा, अगेन वही बात है कि सेटलमेंट फंड्स आपके पास इनफ होने चाहिए. पर स्किल कैटेगरी के अंदर इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आपके पास जॉब ऑफर आ जाती है तो फिर आपकी डायरेक्ट नॉमिनेशन हो जाती है स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर Newfoundland के अंदर, ओके. अभी हम मूव कर जाते हैं बेसिकली, राइट, लाइक यू नो, ये जो है ना, ये है, थोड़ा सा अपनी वीडियो को छोटा कर दूं. सो इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी, राइट, ओके. अब बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हम कनाडा में कहाँ पढ़ने जाएं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि भाई जिस प्रोविंस में इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी का प्रोग्राम है ना, वहां पे आप पढ़ने जाएंगे, राइट, ओके. ये वाला जो है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली रिसेंटली ग्रेजुएट किया है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपने मुल्क के अंदर, ओके. और वो बेसिकली क्या मतलब के जो है ना, राइट, यू नो, लाइक उनके लिए क्या प्रोग्राम, राइट. या तो आप ग्रेजुएट हो कैनेडियन लाइक यू नो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ओके, राइट, यू नो, एटलीस्ट आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ योर स्टडीज आपको कैनेडा में खत्म की हुई है आपने. While studying full time, you have at least obtained 2 years degree or diploma, right? You know, के post graduate, okay.
आपके पास जॉब ऑफर है फॉर अ परमानेंट फुल टाइम पोजिशन, आप लीगली ऑथोराइज हो कैनेडा में काम करने के लिए, अगर आप हो तो आप अगेन डायरेक्ट नॉमिनेशन हो जाते हो अंडर इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर. ओके, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, राइट. ओके, ये क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बेसिकली ये दो यूनिवर्सिटीज से, बेसिक दो इंस्टीट्यूशन से अगर ग्रेजुएट किए हैं, राइट. ओके, मेमोरियल यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक से अगर आपने ग्रेजुएशन की है, राइट. ओके, और आपकी अगर ये बेसिकली लाइक इन रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल ये, अच्छा इसमें क्या है, लेट्स से कि अगर आपको, अगर आप है ना सोच रहे हो लाइक इन न्यू फाउंडलैंड आने का, तो दिस इज अमेजिंग, आप एडमिशन ले मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट. ओके, इस कैटेगरी के अंदर फिर आप है ना अपना पीआर का रास्ता ढूंढे. तो आप समझे बेसिकली लाइक यू नो आप को ये एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रेट अप रास्ता पीआर तक का, राइट. ओके, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आप इन एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस लाइक यू नो बाय करें. ओके, आपकी 21 साल कम से कम लाइक यू नो एज होनी चाहिए. ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो इजीली आप बना सकते हैं, राइट. ओके, आपके पास अगेन लाइक यू नो 2 साल की लाइक यू नो आपके पास पढ़ाई का होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पता है, जो लोग स्टडी परमिट पे आना चाहते हैं, अगर आप कनाडा में 2 साल का कोई भी कोर्स लेते हैं आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, जो आप जो इस बेसिकली कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, राइट. ओके, आप न्यू फाउंडर में रहना चाहते हैं, आप एटलीस्ट 33% अपने बिजनेस को ओन करते हैं, राइट. ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको फुली ओन करना है. लेट्स से कि कोई न्यू फाउंडर के बिजनेस बेच रहा है और आप 33% के पार्टनर बन जाते हैं, देयर यू गो, आपकी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर जाते हैं उसके अंदर, राइट. ओके, ऑलराइट, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, राइट. ओके, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टर प्रोग्राम है न्यूफाउंडलैंड में, वो कौन सा प्रोग्राम है, राइट. यू नो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स, राइट. ओके, तो ये एग्जैक्टली ब्रोकन डाउन कर देता है कि अगर आपको इन्वेस्टर कैटेगरी में आना है न्यूफाउंडलैंड के अंदर जो अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. आपकी एज होनी चाहिए 21 से 59 तक. ओके, आपका जो लाइक यू नो कंप्लीट बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, राइट. ओके, आपके पास एटलीस्ट कैनेडियन हाई स्कूल की लाइक यू नो एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट कम है. एज भी आप देख सकते हैं कि 59 तक है, तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके लिए एज का मसला है, जिनके लिए एजुकेशन का मसला है. तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए $600,000. ओके, ये गिव एंड टेक तकरीबन 14 से 15 करोड़ पाकिस्तानी बनता है, राइट. ओके, और इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ $200,000. ओके, आइदर आप अपने बिजनेस में करेंगे या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में करेंगे एटलीस्ट 33% पे, राइट. यू नो मिनिमम 33%. लेट्स से कि कोई 6 लाख का बिजनेस बेच रहा है और आपने 33.3% उसे ओनरशिप बाय कर ली $200,000 की, दैट आल्सो क्वालिफाई. ओके, आपको एटलीस्ट 2 साल तक मतलब कि जो है ना बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका 5 साल का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट. यू नो के ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट. यू नो के और ये दो बेसिकली और कुछ एक दो रिक्वायरमेंट्स है, राइट. यू नो इंग्लिश की भी, राइट. ओके, इंग्लिश का जिस तरह लाइक यू नो 5 है रिक्वायर्ड, तो काफी कम है रिक्वायरमेंट लाइक यू नो इंग्लिश की इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो लैंग्वेज टेस्ट एज वेल. ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पे जो है ना बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, राइट. यू नो के और मतलब कि ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है इस प्रोविंस के अंदर, राइट. तो जो आपको बिजनेस अच्छे बिजनेसेस आपको मिल जाते हैं $2-2 लाख तक के, राइट. ओके, तो ये बेसिकली जो है ना कंप्लीट गाइड है पीएनपी प्रोग्राम्स की न्यूफाउंडलैंड की. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राइट. यू नो के अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कराने में, किसी भी किस्म का आपको सेटलमेंट के अराउंड या इमिग्रेशन के अराउंड क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग, व्हेन इट कम्स टू पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स, व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो एनीथिंग व्हेन यू वांट टू कम टू द कनाडा, आप हमें लॉटीक LAWTIQ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय.